नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। महबूब अवधेश, और लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर सस्पेंस बना है, लेकिन कुछ घंटों में यह सस्पेंस खत्म होने वाला है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि रायपुर पहुंच गए हैं बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक, जिन पर जिम्मेदारी है विधायकों का मन डटोलने की और नए सीएम का नाम बताने की। सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा पहुंच गए हैं रायपुर, दुष्यंत गौतम भी पहुंच चुके हैं रायपुर। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 2 बजे बुलाई गई है और छत्तीसगढ़ के लिए आज मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, तो छत्तीसगढ़ में आज तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस तरीके से तमाम नाम सामने आ रहे हैं, उन सब के बीच आखिर किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीर है जहां पर तीनों जो पर्यवेक्षक हैं, सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम, वो रायपुर पहुंच चुके हैं। देखिए, एयरपोर्ट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और आज दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे ये सभी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में और वहां पर नाम का ऐलान हो जाएगा। और आपको हम दिखाते हैं खास रिपोर्ट अपनी सहयोगी स्नेहलता का, उन्होंने पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा से बातचीत भी की है। है रायपुर एयरपोर्ट पर, ये वो फ्लाइट है जहाँ से तीनों पर्यवेक्षक मेरे सामने आप जाते देख सकते हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं और सर्बानंद सोनवाल जी, और पीछे दुष्यंत गौतम जी भी आ रहे हैं। सर मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर एक स्माइल है। राष्ट्रपति, हमें आप कह सकते हैं आदिवासी समाज से आई है, एक गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के लिए इंतजार है, पुराहट छत्तीसगढ़ में स्वागत, एक वार्म वेलकम, अच्छी सुबह खिली है। अब ये सियासी सुबह किसके राज तिलक को लेके आएगी, इसका हिंट नहीं देंगे। ये तो संगठन में जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा। सिक्योरिटी को लेकर के इस वक्त हम रिस्पेक्ट करते हैं और सहयोगी मनोज अधिकारी भी इस वक्त हमारे साथ। ये वो टाइम है जहां से रायपुर में सियासी हलचल जो बढ़ी हुई है उसको एक नया मोड़ मिलेगा। ये स्वागत की तस्वीरें, और अब यहां से तीनों पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने बताया है कि शाम तक आज छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो यानी कि तस्वीर अब एकदम साफ हो चुकी है, कोई भी इफ या बट नहीं है। अर्जुन मुंडा जो कि मुख्य पर्यवेक्षक है, उन्होंने साफ कर दिया है कि आज शाम तक छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री होगा इसका ऐलान हो जाएगा। तो तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और अर्जुन मुंडा ने बयान दिया है कि आज शाम तक छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इन सबके बीच लगातार एक एक अपडेट पर हमारी नजरें बनी हुई है। एक रिपोर्ट आपको अपने सहयोगी अंकित गुप्ता की आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज हो रही विधायक दल की बैठक और उसके लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम है वो पहुंची है छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। देखिए, सामने दुष्यंत गौतम नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही में यहाँ सर्वानंद सोनोवाल और उसके साथ में अर्जुन मुंडा, ये तीन जो पर्यवेक्षक हैं, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, वो पहुंच गए हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। और आज ये इन तीनों के पहुंचने का मकसद साफ है कि जो विधायक दल की बैठक है उसको बुलाया जाए और जो तमाम नेता हैं उनसे जो है चर्चा की जाए, जो विधायक हैं उनसे चर्चा की जाए कि आखिर किस नाम पर उनकी सहमति है। तो फिलहाल ये वो पर्यवेक्षक हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से कि कब पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान होगा, कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल वो पहुंच गए हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। और देखिए, कार्यालय के अंदर भी किस तरीके की तस्वीरें लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, उसके अलावा अर्जुन मुंडा की, दुष्यंत गौतम की, उसके अलावा सर्वानंद सोनोवाल, क्योंकि ये तीनों जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और विधायकों का मत जानेंगे। तो फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से हैं। हालांकि जैसी जानकारी मिली है कि दोपहर 12 बजे का जो वक्त दिया गया है विधायकों को यहाँ पहुंचने का, लेकिन जो विधायक दल की बैठक है वो करीबन 2 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। उसके बाद में तमाम विधायकों से चर्चा की जाएगी कि आखिर वो किसके नाम पर जो है सहमत है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने किन नामों पर जो जोर दिया है। तो ये वो तमाम जो है फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद विधायक दल की बैठक के दौरान ही जो विधायक बताएंगे उसके बारे में आला नेतृत्व को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद में कोई अंतिम जो फैसला लिया जाएगा आला नेतृत्व की तरफ से और होगा मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान। यानी कि आज का दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से है महत्वपूर्ण, क्योंकि आज काफी हद तक संभावना है कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान कर दिया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ के लिए आज बहुत बड़ा सियासी दिन है, कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इस सवाल का जवाब मिलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जब से राज्य का गठन हुआ है तब से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग चल रही है, क्या वो मांग पूरी होगी? इससे भी पर्दा हट जाएगा शाम तक। सीधे रुक करते रायपुर का अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए। अंकित, आप बीजेपी दफ्तर के सामने हैं, किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की चहल पहल है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है इस वक्त? अवधेश, जिस बात का इंतजार था जो चुनाव नतीजों के बाद से ही, और विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिर जब चुनाव जीत गए हैं, बहुमत आपके पास में है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? तो आज वो दिन है जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। और इसी वजह से देखिए, ये जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम है, और जो तीनों जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दुष्यंत गौतम, अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनोवाल। इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि तमाम विधायकों के साथ में चर्चा करने के साथ ही में उनको बताया जाए कि वो किन नामों को लेकर के आए हैं, और उसके अलावा विधायकों की उस पर सहमति ली जाए। जब एक बार सहमति बन जाएगी तो बीजेपी का जो आला नेतृत्व है उसको उस बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन जैसी कि जानकारी मिल रही है कि विधायकों को यहां पर करीबन 12 बजे पहुंचने का वक्त दिया गया है, लेकिन जो विधायक दल की बैठक है वो करीबन 2 बजे के आसपास शुरू हो सकती है। करीबन 1 घंटे के आसपास वो बैठक चलेगी, तमाम नामों पर चर्चा होगी, और उम्मीद की जा रही है कि शाम को 4 से 5 बजे तक मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो अब ऐसे में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अब से करीबन 8 से 10 घंटे के भीतर सामने होगा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का। बिल्कुल, शाम तक का इंतजार रखी थे, लेकिन आप रायपुर में मौजूद हैं। ये तो रही बात विधायक दल की, विधायकों की बैठक की, लेकिन जनता के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं? जनता किसको लेकर ज्यादा आशान्वित है? और निश्चित तौर से जो सियासी खेमा है वहां पर भी हलचल तो हो गई अंदर खाने में, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। तस्वीर बेहद दिलचस्प है। तस्वीर दिलचस्प इस वजह से है क्योंकि देखिए, प्रदेश कार्यालय का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। एक तरीके से ये राजनीति भी होती है, रणनीति भी होती है कि जब कोई भी जो विधायक आ रहे होते हैं उनके साथ में उनके समर्थक आते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का अपार जनसमूह है जो ये चाहता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। तो फिलहाल जब हम जनता के बीच पहुंचे हैं तो जनता के बीच से साफ तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री एक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, ये मुख्यमंत्री एक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर जो है प्रदेश की जनता भरोसा कर सके और जो प्रदेश की उन्नति कर सके। तो इस वजह से वो कई सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि जब हमने नामों पर चर्चा की है तो वहां पर भी अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। जैसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया अभी कि रेणुका सिंह के भी बात हो रही है, उसके अलावा जो है जो और तमाम नेता हैं उनके बारे में बात हो रही है, अरुण साहब के नाम के पर चर्चा हो रही है। तो देखिए, लोग जनता अपनी चर्चा जरूर कर रही है, लेकिन जो प्रदेश का जो आला नेतृत्व है और केंद्र का जो आला नेतृत्व है उसने तय कर लिया है कि आखिर चेहरा हो तो कैसा हो। दो नाम जो है इस वक्त अभी यहां पर, जैसे हमको सूत्रों से जानकारी मिली है, 2 से 3 नाम ऐसे हैं जिन पर जो है अंतिम फैसला लिया जाना है। विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद में वो फैसला लिया जाएगा। अभी जो पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं